ये जो मनवाद और ब्राह्मणवाद है ना, वो आप लोगों की वजह से है हमारे बेडरूम में, हमारे घरों में। जब बाबा साहब ने देश को संविधान दिया तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अब जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, इस बैलेट पेपर की पेटी से पैदा होगा। और मैं सामने हूँ, दिल्ली में विधायक हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं हूँ, केजरीवाल की वजह से नहीं हूँ, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से। ये जितनी भी पार्टियां हैं देश में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये एक ही समुदाय के एक ही परिवार के लोगों की पार्टियां हैं। आपस में 20-20 खेलकर ट्रॉफी अपने घर ले जाते हैं ये वो लोग। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था और कहा था कि इस वोट के अधिकार से हो सकता है परिवर्तन ना आए, लेकिन दो अधिकार और हैं, ये समाजवाद और पूंजीवाद। अगर जब तक समाजवाद, आपने कुछ बोलना है, मैं बोल रहा हूं, ये जो समाजवाद और पूंजीवाद है, जब तक ये बराबर नहीं आएगा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इस देश का असली बाप कौन है? हमारा बाप है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। गांधी नकली बाप है इस देश का, नकली बाप है इस देश का गांधी। मुकदमा करते हैं ब्राह्मणवादी लोग मेरे ऊपर।